हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी हुई, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उससे इक्वेशन बनाएंगे और फिर रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2। इसके डिनोमिनेटर में x है तो न्यूमरेटर x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो न्यूमरेटर x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x, x माइनस x तो 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस 2 आ जाएगा। अपॉन एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू टू एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस 2 की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x। इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 2 है यहाँ पे जाके प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन से ए की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 और सी जो बच गया यानी कि 2, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 3 इज़ 12 और 12 इंटू 2 24, 36 माइनस 24 हो जाएगा 12, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 6 है तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 3 जा 6। अगर हम रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। अब पहले तो ये 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 ले लेते हैं हम, तो अगर 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस रूट 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6, तो एक रूट की वैल्यू तो आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3। और अगर अब हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6, और एक रूट की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।